राइट जी, हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, जहाँ पर आज एक 4-day मैच ड्रॉ हुआ। इसको तो इनफैक्ट कहना चाहिए अकमल डे मैच, क्योंकि यहाँ पर दोनों भाइयों ने एक ही इनिंग में सेंचुरी स्कोर की है। कामरान अकमल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। इनफैक्ट लास्ट इस ग्राउंड में जो सेंचुरी है कामरान अकमल की है, टेस्ट सेंचुरी, ओवरऑल अपनी इंडिविजुअल स्कोर का जिन्होंने बेहतर किया है नेशनल स्टेडियम कराची में। इससे पहले 162 था, आज 166 हुआ है। साथ साथ दोनों भाइयों की एक ही इनिंग में आज हमने देखा सेंचुरी है, वो भी दोनों अकमल ब्रदर्स की तरफ से आई है। और साथ साथ थर्ड सेंचुरी है सीज़न की कामरान की, ओवरऑल विकेटों के पीछे शिकार में भी टॉप कर रहे हैं कामरान। इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस, कहाँ से एनर्जी लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह? बस अल्लाह का शुक्र है दानिश भाई, और इसमें बस मेहनत है और फैमिली की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं। वालदा की बहुत ज़्यादा दुआएं थी, आज होते तो बहुत खुश होना था, लेकिन यह है कि हमेशा उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। और बस यही एक होता है एम के जहाँ से भी खेलें अपनी टीम के लिए 100% दें, तो अल्लाह का शुक्र है, क्रेडिट जाता पूरी टीम को इस मैच को सेव करने के लिए। एक्चुअल जिन्होंने मैच सेव किया वो सलमान बट और उमर अकमल की जो पार्टनरशिप कल लगी है, 100 runs की लीड हो गई थी, फिर आते साथ 3 out हो गए थे, फिर जफर गौर बहुत अच्छा खेला, फिर बॉलर्स ने मेरे ख्याल से 92 runs से ज़्यादा लीड होने नहीं दी। वो भी एक प्रेशर होता, अगर 150 की 200 की होती तो वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था टीम पे। लेकिन यह है कि बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बिलाल आसिफ ने, एजाज शीमा ने जैसे 5 out किए, ओवरऑल टीम एफर्ट है, सब ने जान लगाई है। बस यही एम था, मैनेजमेंट कोच को जाता है क्रेडिट कि जिन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये हम मैच ड्रॉ कर गए तो इंशाल्लाह हमारा 100% चांसेस हो जाएंगे फाइनल के लिए, लेकिन दो मैच अभी रिलैक्स नहीं है। लेकिन फुल क्रेडिट टू मैनेजमेंट एंड टीम बॉयज़ जिन्होंने ये जान लगाई है, और जैसी बैटिंग हुई या मैच सेव किया अल्लाह का शुक्र है जितना करे। राइट, आपने वालदा का जिक्र किया, आई होप कहीं ना कहीं आपकी वालदा जो है ऊपर से डेफिनेटली आप दोनों को दुआएं दे रही होंगी। कैसा लग रहा है कि एक दोनों भाइयों ने एक ही इनिंग में हम देख रहे हैं कि 100 किए हैं, और आप लोगों की हम वीडियोज़ भी जो है वो देखते रहते हैं कि बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग लाहौर में, सो एक दोनों भाई एक ही इनिंग में 100? देखिए प्रैक्टिस तो दानिश भाई ऑफ सीज़न में होता है कि आप अपनी सीज़न की तैयारी करते हैं, हम लोग बैठते नहीं, अपनी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, कंटिन्यू खेलते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं अपने ट्रेनर्स के साथ। वहाँ पे मेरा तो ट्रेनर है जीशान और वनी, उनसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ फुल टाइम, फिर उमर करता है अपनी ट्रेनिंग। तो यही एक तैयारी होती है ऑफ सीज़न की, 4-5 महीने जान लगाए, तो यही वजह है कि सीज़न में प्रॉब्लम कोई नहीं होती फ़िटनेस की। और एज़ ए प्रोफेशनल मेरे ख्याल से हर टाइम आपको तैयारी करनी पड़ती है, और फ़िटनेस की तैयारी इसी सूरत होती है कि आप दिल लगाएं, लेकिन यह है कि इसी वजह से आप देखेंगे सर्वाइव भी कर रहे हैं और फिटनेस लेवल भी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी अल्लाह करवा रहा है। राइट, बेस्ट ऑफ लक कामरान, सेंट्रल पंजाब ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए फाइनल के लिए, और आई होप कि इंशाल्लाह फाइनल में भी और उससे पहले भी जो मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस हम देखें इंशाल्लाह। थैंक यू दानिश भाई, अल्लाह हाफ़िज़।